हेलो एवरीवन माय नेम इज संध्या राय एंड आई हैव डन एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एंड काफ़ी टाइम मैंने सीरियल कोऑर्डिनेटरशिप पर ओ की तरह साइंस एच की तरह और बोर्ड में ए की तरह वर्क किया है तो ये तो मेरा था मेरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था बाकी मैंने दो साल पहले हमने डी एस एल क्लासेस चैनल ही शुरू किया था ये सोच कर ये दिमाग में रखते हुए कि एक टाइम आ जाता है जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि आप शेयर करना चाहते हो तो एक ओपन चैनल खोला था ये ताकि हम जो है अपने यहाँ अपनी नॉलेज को अपने टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबकी नॉलेज को हम आपके साथ शेयर कर सकें तो आज भगवान की दुआ से गॉड ग्रेस से और आपकी हेल्प uh, से हमारे थर्टीन के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं जहाँ पर आप देख रहे हो कि टेंथ का तो आप देख ही रहे हो टेंथ क्लास का साइंस uh, का चैनल शुरू हो चुका है पार्ट शुरू हो चुका है इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ केमिस्ट्री चल रही है एंड मैथ्स के हम शॉर्ट ट्रिक्स का भी वीडियोस जो है अपलोड कर रहे हैं जो कि बहुत सबको पसंद आ रहा है तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है नाइन्थ से ट्वेल्थ के सब बच्चों को मैथ्स की शॉर्ट कैलकुलेशन पार्ट से क्योंकि कैलकुलेशन करने में काफ़ी टाइम वेस्ट जाता है तो उसके लिए हम मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स की जो है वीडियोस डाल रहे हैं ताकि आपका टाइम जो है कैलकुलेशन का सेव हो जाए तो आज हम बात करने जाए चलेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में टेंथ क्लास की जिसका ब्रीफिंग जो है वो सर ने आपको दे दी थी दीपक सर ने आपके साथ किया होगा शेयर तो उसमें आप देख चुके हैं कि आपकी इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है एंड आज मैं आपसे शेयर करूँगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम उन्हें बिफोर दैट मैं आपको अन अकेडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि ये सी बी एस सिक्स से ट्वेल्थ सी बी एस के के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं अनअकेडमी जिसमें कि प्लस के सारे फीचर्स तो हैं ही आपने नाम काफ़ी सुना होगा अन अकेडमी के प्लस फीचर का तो उस वो सारे टॉप एडुकेटर्स आपके प्लस के तो यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे लेकिन साथ साथ पर्सनल मैंटरशिप भी आपको दी जाएगी तो उसमें क्या बेनिफिट होगा पर्सनल मैंटरशिप से जब आपको त, जो टीचर है जो मैंटर है वो आपको पर्सनली गाइड करेगा तो वो आपके बैच वगैरह बनाकर आपको साथ साथ आपकी अटेंडेंस वगैरह आपकी परफॉर्मेंस सब रिकॉर्ड करेगा एंड स्टडी प्लान की जाएगी उसमें वीकली एंड मंथली बेस पर आपकी कैपेसिटी एबिलिटी को देखते हुए वो पूरा एक मेंटेन किया जाएगा आपका प्लानर एंड उसमें स्टडी कराते हुए जो आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी वो टेस्ट सीरीज़ एंड क्विजेस के बेस पर रेगुलरली परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी अब नेचुरली पढ़ाई करते हुए प्रॉब्लम्स तो आती हैं फेस करनी पड़ती हैं बिना प्रॉब्लम के डाउट्स कैसे क्लियर होंगे ये भी तो है ना कि हमारे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे ऑनलाइन में बड़ी डाउट की प्रॉब्लम रहती है तो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे इसके लिए एंड प्लस साथ साथ क्या है पेरेंट्स को भी कनेक्ट किया जाएगा तो जो परफॉर्मेंस जो भी है अटेंडेंस है जितनी भी चीज़ें हैं इसमें जो रिकॉर्ड की जाएंगी वो सारी आपके पेरेंट्स से भी शेयर किया जाएगा तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाती है कि पेरेंट्स जो हैं वो डिटैच फील नहीं करते उन्हें रेगुलर पता रहता है कि हमारा बच्चा जो है वो कितना स्टडी कर चुका है तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज़ द बेस्ट वन आप ज़रूर लीजिए एंड ये सिक्स सेवन्थ एथ के क्लासेस के रेगुलर ड्यूरेशन वाइज जो हैं वो प्राइजेज हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइजेज़ हैं लीज प्राइजेज हैं आप कंपेयर करके देख सकते हैं किसी से भी एंड यदि आप साथ में रेफरल कोड हमारा डी एस क्लासेस डाल देते हो दैन एटवंस आपको टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो और भी बहुत प्राइस कम हो जाएगा तो नाइन्ेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ के ये प्राइजेज हैं ड्यूरेशन वाइज और जितना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन का आप लोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा तो जरूर लीजिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड फ़ायदा उठाइए अच्छे एडुकेटर से पढ़िए और रीज़न करिए उनके साथ साथ चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन अबाउट द एसिड बेस एंड सॉल्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं आपको इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी ठीक है और उनके आंसर्स भी आपको आंसर शीट फॉर्म में भी दूंगी और डिस्कस भी करूंगी तो पहले ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वाई डू एसिड डू नॉट शो देअर एसिडिक बिहेवियर इन एबसेंस ऑफ वाटर इसको हम दूसरी फॉर्म में भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है लेकिन डिस्टिल वाटर में हमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं मिलता दोनों का आंसर सेम है लगभग सेम आप समझेंगे तो बहुत सेम आंसर आता है एसिड क्या होते हैं एसिड्स होते हैं जो एच आयन डोनेट करते हैं एच आयन जिनमें से लिबरेट होते हैं वाटर में आने के बाद या तो मोल्टन फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में या फिर इन एक्वस फॉर्म यदि इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं है आइदर इन एक्वस और इन मोल्टन फॉर्म तो फिर एसिड जो है वो कभी भी अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर सकता तो मान लो जैसे कि एच है और उसमें हमने वाटर डाला देन इट विल आयनाइज इन टू एच आयन जो कि वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन सेपरेट हो जाएंगे दीज आर दचायंस जो कि एसिडिक करेक्टर को बना रहे हैं उसके एक एसिड को एसिड बनाने में कौन कामयाब है कौन बनाता है एसिड को एसिड एचायंस बनाते हैं यदि वो ड्राई एथ सी एल की फॉर्म में हो और हमने कोई पानी नहीं डाला उसमें तो आयन नहीं बनेंगे और उसका एसिडिक करेक्टर हमें दिखाई भी नहीं देगा ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सिमिलरली रेन वाटर में क्या चीज़ एक्स्ट्रा होती है रेन वाटर में एयर से आए हुए बहुत सारे जैसे सी ओ टू है एयर में और बारिश हो गई तो कार्बनिक एसिड में चेंज हो जाएगा एनओ टू है तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा तो वो वाटर में डिजोल्व होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं दैट्स वाई रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि उसमें अचैंस होते हैं ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर में ऐसा कोई अचैन वगैरह नहीं होता प्योर वाटर होता है वो और वो आयंस में फॉर्म में ब्रेक नहीं होता दैट्स वाई इट कान इट इज़ नॉट एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों का आंसर लगभग सेम है इसलिए मैंने एक साथ दोनों क्वेश्चन डाल दिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई प्लास्टर ऑफ पैरिस स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर प्लास्टर ऑफ पैरिस जो है क्योंकि वो एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का और ये वाटर रिमूव करके जिप्सम से ही बनाया जाता है ये आप यहाँ देख रहे हो मैंने रिएक्शन भी लिख दी है प्लास्टर ऑफ पैरिस बनाया जाता है जिप्सम से तो जब हम यदि किसी ऐसे कंटेनर में रख देंगे जिसमें वाटर जिसमें आराम से जा सकता है मॉइस्चर जा सकती है तो प्लास्टर ऑफ पैरिस जो है क्योंकि वो एब्जॉर्बशन करता है वाटर का सराउंडिंग से तो वाटर लेकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हार्ड मास ऑफ जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी सेटिंग जो प्रॉपर्टी है प्लास्टर ऑफ पैरिस की, की वाटर लेकर अब्जॉर्ब करके किसी शेप में चेंज हो जाना सेट हो जाना वो ख़राब हो जाएगी तो हमारा वो वेस्ट हो जाएगा तो इसलिए हमेशा जिप्सम को एक कंटेनर ऐसे कंटेनर में रखा जाता है जिसमें मॉइस्चर एंटर ना कर सके मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में सील्ड रखना पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग समर सीज़न एक मिल्क मैन जो है जब भी गर्मियाँ आती हैं तो जो मिल्क देने आते हैं दूर दूर से गांव से देने आते हैं मिल्क मैन वो क्या करते हैं क्योंकि उन बहुत टाइम पहले दूध निकाल के और लेकर चल रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा अमाउंट वो बेकिंग सोडा का डाल देते हैं फ्रेश मिल्क में क्या डाल देते हैं बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो वो क्यों करते हैं ऐसा भी ये तो गलत है ना वैसे <laughs> तो उन्हें करना पड़ता है क्योंकि मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो कि ख़राब हो सकता है ज़्यादा देर तक यदि बॉयल नहीं करेंगे तो वो बै बैक्टीरिया की हेल्प से वो स्पॉयल हो जाएगा मिल्क ज़्यादा खट्टा हो जाएगा और पीएच वैल्यू उसकी और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो उस पीएच वैल्यू को उसी पॉइंट पर मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा क्या डालते हैं वो बेकिंग सोडा जो कि बेसिक होता है और वो उस पी वैल्यू को उस पॉइंट पर ही मैंटेन कर लेता है और दूध को खराब नहीं होने देता ठीक है आई थिंक आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस भी मैं क्या समझा रही हूँ इसमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन जब हम ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक गैस निकलती है जिसका नाम हमने रखा जी पूछ रहे हैं कि वो जी है भाई गैस और उसका नाम बताओ वो कौन सी गैस है जो एनोड पर निकलती है और जब इस गैस को हम स्लेग लाइन में से पास करते हैं सॉल्यूशन ऑफ स्लेग लाइन में से हम उस गैस को पास करेंगे तो सी कंपाउंड बनेगा जो कि वाटर डिसइनफेक्टेंट की, की तरह वर्क करता है हम पानी में उसे डाल के वाटर में से बैक्टीरिया को किल कर देते हैं तो बताइए राइट द फॉर्मल ऑफ जी एंड सी केमिकल इक्वेशन लिखिए एंड वट इज द कॉमन नेम ऑफ सी एंडल नेम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलने ही वाला है हंड्रेड परसेंट इस टाइप का ब्राइन जो है वो एन ए सी एल का सेचूरेटेड सोल्यूशन होता है यू कैन से एन ए सी एल ही है मोल्टन फॉर्म में जब आप एन ए सी एल में इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो सोडियम कैथोड पर मिलेगा सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन जो मिलेगी एनोड पर मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस के पास तो क्लोरीन इज़ अ दैट गैस जो हमें एनोड पर मिलने वाली है तो वो गैस जी जो है वो कौन सी गैस हुई क्लोरीन गैस हुई ठीक है इसकी रिएक्शन आप लिख सकते हो क्लोरीन को हमने स्लेग लाइम में पास किया स्लेग लाइम क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें जब हम क्लोरीन को पास करेंगे तो दैट विल फॉर्म द ब्लीचिंग पाउडर सी ए सी एल टू बन जाएगा जो हमें मेंशन किया है सी फॉर्म में तो ब्लीचिंग पाउडर बन गया ये हमें ये कैसा काम करता है इस ये वाटर डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है तो हमारा ये नेक्स्ट आंसर हो गया कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इज़ द वाटर डिसइंफेक्टेंट सी कंपाउंड एंड व्हाट इज़ द केमिकल नेम केमिकल नेम इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर तो मैंने एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन दे दी है वैसे आपको पता होगा कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को क्या कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड द ब्लीचिंग पाउडर चलिए अब ये तो थे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे अच्छे लग रहे थे और मेरे को मुझे लग रहा है कि इस साल ये इनमें से कुछ रिपीट भी ही हो सकता है इस टाइप से रिपीट हो सकता है सैम्पल पेपर जो इस साल सैम्पल पेपर अभी ट्वेंटी में सी ने रिलीज़ किया है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं एक वाइट पाउडर है विच इज़ यूज बाई डॉक्टर टू सपोर्ट द फ्रैक्चर्ड बोन जब किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक कंपाउंड लगाया जाता है फ्रैक् जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है जो वाइट कलर के कंपाउंड से बनाया जाता है पाउडर से तो हमें उसका नाम बताना है केमिकल फॉर्मूला बताना है उस पाउडर का सबको स्माइल आ गई होगी क्योंकि तुरंत सबने पहचान लिया होगा कि ये कौन सा कंपाउंड है तो आगे और क्या बताना है उसको बनाते कैसे हैं और इस कंपाउंड को जब हम एक हार्ड उसमें यदि वाटर डाल दें तो वो हार्ड मास में चेंज हो जाता है तो वो रिएक्शन लिखनी है कि हार्ड मास में कन्वर्जन की क्या रिएक्शन है एंड अदर देन दैट कि बोन के फ्रैक्चर फ्रैक्चर बोन के लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं उसके अलावा कोई और यूज़ इसका आपको डिस्क्राइब करना है बताना है तो सही पहचाना आपने प्लास्टर ऑफ पैरिस इज द कंपाउंड जिसका कॉमन जिसको मैं कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पैरिस कह रही हूँ एंड द केमिकल नेम इज़ कैल्शियम सल्फेट हैमीहाइड्रेट आधे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को क्या कहते हैंमीहाइड्रेट अब ये बनाया किससे जाता है ये जिप्सम से बनाया जाता है जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जिसे हम हीट करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से बिलो रखते हुए ज़्यादा हीट करेंगे तो वो ड्राई ऐश में कैल्शियम सल्फ़ेट में ही बदल जाएगा जिसे एनहाइड्रस हम कैल्शियम सल्फ़ेट कहते हैं तो हमें वो नहीं करना हमें 343 फोर्टी से नीचे ही इसे हीट करना है एक बाउंड्री है तो यहाँ इसमें से डेढ़ मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाता है और आधा मॉलिक्यूल रह जाता है अब आप कहेंगे आधा मॉलिक्यूल कभी ऐसा होता है कि वाटर आधा मॉलिक्यूल में टूट के आ रहा हूँ तो क्या होता है कैल्शियम सल्फ़ेट के दो मॉलिक्यूल के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसके साथ बॉन्डेड रहता है इसलिए हमने यदि हम मॉलिकुलर रिएक्शन देखें वन मोल के अकॉर्डिंग तो इट इज़ कैल्शियम सल्फेट हाफ एच टू अदरवाइज जो है रिएक्शन में जो बनता है वो है कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस एंड वाटर मॉलिक्यूल ठीक है अब ये तो हो गया इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन देन इससे हम जब हम इसमें पानी डालते हैं प्लास्टर ऑफ पैरिस में पानी डालेंगे तो एक हार्ड मास में चेंज हो जाता है वट इज़ दैट जब हम वाटर वापस जो इसमें से छीना था यदि उसको वापस डाल दें तो इट विल कन्वर्ट इन टू अगेन जिप्सम वापस जिप्सम में ही कन्वर्ट हो जाएगा तो ठीक है जिप्सम भी बन गया हार्ड मास वापस एंड और क्या यूज़ हैं फ्रैक्चर बोन के अलावा प्लास्टर चढ़ाने के अलावा इसे हम डिज़ाइनिंग और प्रूफ में पर पी ओ पी की डिज़ाइनिंग की जाती है ज्वेलरी वगैरह बनाने में आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं स्टैचूज़ बनाने में दिवाली के आसपास आप देखते होंगे पी ओ पी के बहुत ही स्टैचूज़ आते हैं है ना तो ये सब काम हम इससे पी ओ पी से करते हैं और इसके अलावा भी आप कुछ और याद आ रहा हो तो आप वो भी लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी एच से रिलेटेड द पीएच ऑफ अ सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्प क्रिस्पी पकौड़ाज मुँह में पानी आ गया होगा पकौड़ाज बनाने के को ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम एक उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं या ये खाली पकौड़ाज नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो उस सॉल्ट से डाल के बनाई जाती हैं और उसकी पीएच है वो फोर्टीन के अराउंड होती है उस सॉल्ट को आइडेंटिफाई करिए उसकी रिएक्शन लिखिए बनाने के लिए उस कंपाउंड को एंड दो यूजेज लिखिए तो पहचान गए ना आप कौन सा कंपाउंड है वो वो कंपाउंड है हमारा बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट जिसे सोल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है ये आपको याद ही होगी रिएक्शन एंड नहीं है याद तो जल्दी से याद कर लो एंड साथ, -साथ हाँ आपको मैं एक बात याद दिला दूँ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है यदि आपने नहीं किया भूल गए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो लाइक करो एंड किसी और अपने ही जैसे अपने फ्रेंड से भी शेयर भी करना है तो एंट एसिड्स इसके अलावा इसके क्या यूजेस हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के हम कुकिंग में तो यूज़ करते ही हैं इसके अलावा एंट एसिड की तरह यूज़ होता है जब ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हम इसको वाटर में डिजोल्व करके ले सकते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में यूज़ किया जाता है एंड फायर एक्सटिंगशर में सी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है ठीक है तो ये सारे यूजेस हैं और मैं बार बार कह रही हूँ अदर देन दैट आपको कोई और याद आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो ठीक होना चाहिए बस आइडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट वेन वन ग्राम ऑफ डायलूट एच सी एल इज एडेड टू वन ग्राम ऑफ सोडियम मेटल यदि हम डायल्यूट एच सी एल का वन ग्राम लें और उतना ही अमाउंट हम एन ए सोडियम मेटल का डाल दें तो क्या होगा देन इट विल गिव राइज टू सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट कॉमन सॉल्ट बन जाएगा एन ए सी एल एंड दिस रिएक्शन इज़ ऑ ऑल्सो कॉल्ड जो मैं एडिशनल आपको बता रही हूँ दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सैम्पल पेपर इज़ पी एच वैल्यू यदि वन सेवन टेन थर्टीन है हमारी और हमें इनको अरेंज करना हो मैच करना हो इन कंपाउंड से मिल्क ऑफ मैगनीशिया गैस्ट्रिक जूस ब्राइन एंड एक्वासोडियम हाइड्रोक्साइड से तो भाई किसके लिए कौन सी पी एच जो है सुटेबल है मिल्क ऑफ मैग्नीशियाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो ज़्यादा हाईली बेसिक तो नहीं है लेकिन बेसिक होता है नेचर में तो इसकी पी एच टेन अराउंड गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में पाया जाता है एच वो बहुत कंसनट्रेटेड एच जो बॉटल में लैब में मिलता है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड पार्ट है काफ़ी मोलारिटी का होता है लेकिन जो स्टमक में एच होता है वो बहुत वैल्यू मैनी बहुत ज़्यादा कम मोलारिटी का होता है उसकी पी जो है वो राउंड अबाउट वन रहती है ब्राइन एन जो है एन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर सॉल्ट बना रहे हैं ब्राइन तो दैट इज हैविंग द पीएच ऑफ सेवन क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है सोडियम और क्लोरीन की वजह से एंड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाईली बेसिक है एंड इट्स पी इज अराउंड थर्टीन तो दीज आर दैम्पल पेपर क्वेश्चन एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर जो मैंने आपको अभी बताए ये सारे प्रीवियस ईयर के और सैम्पल पेपर क्वेश्चन हैं और हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अगली वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं वो उन क्वेश्चंस के बारे में जो मुझे लग रहा है कि इस साल आने की चांसेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द दिस ईयर ठीक है हालांकि वो इन्हीं क्वेश्चंस पर ही बेस्ड होंगे क्योंकि ये ये सारे ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए आपसे लेकिन हमें क्या लग रहा है इस साल क्या आ सकते हैं क्वेश्चन हम उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय एंड अपना ध्यान रखिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए ओके और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना टिल देन बाय